आज की ये वीडियो रीजनिंग से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सनराइज को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में पॉपुलर को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने पर ही इसका सही आंसर निकलेगा। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, सनराइज SUNRISE सनराइज को TSQNNML लिखा जाता है, तो हमें पॉपुलर का ज्ञात करना है। पॉपुलर PUPULAR, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रिक देख लेते हैं कि सनराइज को इतना कैसे लिखा जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। S 19 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पर, N 14 नंबर पर, R 18 नंबर पर, I 9 नंबर पर है, S 19 नंबर पर और E 5 नंबर पर। इधर इसी तरह कर लेते हैं, T 20 नंबर पर, S 19 नंबर पर, Q 17 पर, N 14 पर, N 14 नंबर पर, M 13 नंबर पर, L 12 नंबर पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, S को सबसे पहले वाले नंबर से मिलाते हैं, पहले वाले लेटर से, ठीक। तो इधर 19 है और इधर 20 है, तो क्या हो रहा, घट रहा कि बढ़ रहा, बढ़ रहा ना। तो 19 में अगर हम ये जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर U को हम नेक्स्ट नंबर से मिलाते हैं, नेक्स्ट लेटर से, इधर 21 है U का नंबर, S का 19 है, तो आपको दिख रहा है 21 है इधर, इधर 19 है, घट रहा है, तो इसका मतलब 21 में से अगर हम दो माइनस कर देंगे तो 19 आ जाएगा। फिर N है, N को हम Q से मिलाते हैं, इधर N 14 नंबर है, Q का 17 है, 3 बढ़ रहा है, 14 3 17 तो 3 प्लस हो जाएगा। और R को फिर नेक्स्ट लेटर से मिलाते हैं N से, R 18 है, N 14 है, इसका मतलब घट रहा है, तो हम 4 घटा देंगे 18 में से, तो 14 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम I को नेक्स्ट नंबर से लेटर से मिलाते हैं N से, I यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 14 है, 5 यहाँ पर हम बढ़ा देंगे, 9 में 5 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। फिर S को हम M से मिलाते हैं, S 19 नंबर पे है और M 13 नंबर पे है, तो 19 में से हम कितना माइनस करें, कितना माइनस करें कि जो है 13 आ जाए, तो हमें जो है 6 माइनस करना होगा, ठीक। फिर इसके बाद हम 5 है, E 5 नंबर पे, L 12 नंबर पे, इसका मतलब E 5 में हम कितना जोड़ें, 7, 7 अगर जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक। तो हमें यही ट्रिक जो है इसमें अपनाना है, प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7, यही ट्रिक इसमें अपनाना है। चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। P कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे, O 15 नंबर पर है, P 16 नंबर पर है, U 21 नंबर पर, L 12 नंबर पर है, A 1 नंबर पर, R 18 नंबर पर, ठीक है। क्या करते हैं, पहले को पहले से ही मिलाना है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। नंबरिंग करना तो है, लेकिन किसी किसी में हम पीछे से मिलाते हैं तब आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले को पहले से ही मिलाना है, ध्यान दीजिएगा। P 16 नंबर पे है, यहाँ पर प्लस 1 किया था तो प्लस 1 करना है, 16 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17। O है 15 नंबर पर, यहाँ पर सेकेंड नंबर माइनस 2 किया, माइनस 2 करेंगे, 15 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 13। फिर P है यहाँ पर 16 और यहाँ पर 3 जोड़ा था तीसरे नंबर पर, तो 3 जोड़ेंगे 16, 3 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर U है, U 21 नंबर पे है, यहाँ पर 3 के बाद क्या किया, माइनस 4 किया, तो 21 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 17 आ जाएगा। और L है यहाँ पर 12 और यहाँ माइनस 4 के बाद 5,
जोड़ा गया है, तो पांच जोड़ेंगे, 12 में पांच जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 17, फिर ए है और फिर पांच के बाद क्या किया 6 घटाया है, तो ए में से हम एक में से 6 घटाएंगे, कैसे होगा, पहले एक में हम 26 करेंगे जोड़ेंगे फिर 6 घटाएंगे, 26 में से एक जोड़ोगे 27, 27 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा, ठीक 21 आ गया। और आर में क्या करना है, यहाँ पर 7 जोड़ना है, लास्ट वाले में क्या किया 7 जोड़ा गया है तो 7 जोड़ेंगे, 18 है, 18 दो 20, 20 पाँच 25, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 7 जोड़ा तो कितना आ गया 25, ठीक। अब इनके हम लेटर रख देते हैं, 17 मतलब क्यू, 13 का मतलब क्या होता है एम, 19 का मतलब एस, 17 का मतलब क्यू, 17 का मतलब क्यू, 21 का मतलब यू, 25 का मतलब वाई, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, नहीं यहीं पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू एम एस डबल क्यू यू वाई, तो यहाँ पर आपका यही आंसर हो जाएगा। और इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्यू एम एस डबल क्यू यू वाई, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।